कहानी इतनी है कि गांव की एक लड़की का, ब्राह्मण थे ये लोग, गांव की एक लड़की की शादी थी और जो हमारे यहाँ के दीवान थे वो ज़रा जालिम किस्म के इंसान थे, वो यहाँ आए और उन्हें लड़की का जो रूप था, सौंदर्य था, उससे इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि उन्होंने ज़िद कर ली कि मैं तो इसी लड़की से शादी करूँगा। नज़ारा कुछ ऐसा था कि दीवान सालम सिंह की जो हरकतें थी उससे परेशान होकर अपनी कुल की लाज रखने के लिए, अपनी कन्या की इज्जत रखने के लिए, और कैसे किसी कन्या को ऐसे जालिम को सौंपा जा सकता है, इसलिए एक रात में जितने भी पालीवाल ब्राह्मण के घर थे उन सब ने रातों रात अपने घर बार, अपने मवेशी, पशु, कहा जाए तो अपनी ज़िंदगी यहाँ छोड़ दी और यहाँ से पलायन कर दिया। दर्द कौन जाने, छोड़ चला घर गाँव गवाड़ी, छोड़ चला घर गाँव गवाड़ी, आई है अचानक आपत, दिन कुल धरा धिन कुल धरा गढ़ गाँव ठिकाण, जगत इतिहास पुराण, आज सुनो एक बात अड़ली, हो आज सुनो एक बात अड़ली। ये अवशेष है बचे हुए उन घरों के, और तो और कितना सच है कितना झूठ है खुदा जाने, पर हमारी पुरखों की जुबानी है, अक्सर लोगों के मुंह से सुना भी है कि ये जो जगह है कुलधरा, यहाँ पे रात को, आधी रात को गहरे सन्नाटे में अचानक से पायल की झनकार सुनाई देती है। और तो और कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने किसी को देखा है, कई दफ़ा बड़ी शिद्दत के साथ ना महसूस किया है कि कोई है, मतलब किसी की मौजूदगी हमेशा महसूस की जाती है। झुर झुर रोवे, दर्द कौन जाने।